من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون صلوات محمد وعلى قرآن مجید کے سورہ الحجر کی نویں آئے کریمہ جس کو میں نے اس عشرہ مجالس کا عنوان بیان قرار دیا ہے اور بحیثیت سرنام کلام کے اس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے سلسلہ بیان کو جاری رکھا ہے. اس آئے کریمہ کے ذریعے سے خالق کائنات نے دو پیغام دیے ہیں. ایک یہ کہ نزول قرآن کے متعلق کہا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکرہ، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حرف تحقیق کے ساتھ قرآن کو نازل کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور حرف تحقیق کے ساتھ اس نازل کیے ہوئے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ جب اپنی کسی عظیم شے کو، اپنی عظیم شے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کرے یا اس کو نقصان پہنچائے. یہ ذات الہی کے صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ ہوا علی کل شئین قدیر، وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. جو ہر شے پر قادر ہوتا ہے، پھر وہ کسی کو بچانا چاہے تو پھر کوئی مٹا نہیں سکتا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر چاہے کہ ہم اسے مٹا دیں، تو وہ عاجز آ جائے گی اللہ کے مقابلے میں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور جو اس کے مقابلے پر آیا وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مٹا دیں. تو جو مقابلے پہ آیا ہے وہ کمزور ہے، اس کی طاقت کمزور ہے، اور جس کے مقابلے پر آیا ہے وہ عظیم طاقت والا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. آپ دیکھیں، اس نے
अपने मखसूस बंदों की किस तरह से हिफाजत की, अपने नबियों की हिफाजत की, उसने अपने घर की हिफाजत की, उसने कुरान की हिफाजत का ऐलान किया है तो कुरान की हिफाजत कर रहा है। मैंने हिफाजत से मुतालिक आपके सामने कुछ चीज़ें पेश की थी, लेकिन कुरान ने इस मौजू को पूरा बाकायदा कुरान में सिलसिले का पूरा एक बयान है जिसको जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। अल्लाह के नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम ये नबी भी हैं और पहले रसूल हैं, पहले साहिब शरीयत पैगंबर हैं, इसलिए कि जो सिलसिला नबुवत अल्लाह ने हिदायत के लिए नाजिल किया उस सिलसिला हिदायत में 1,24,000 पैगंबर उसने भेजे और उन 1,24,000 पैगंबरों में 313 रसूल हुए। 313 रसूलों में अल्लाह ने 5 उलुल अज़्म पैगंबरों का इंतखाब किया। ये उलुल अज़्म पैगंबर जो साहिब शरीयत पैगंबर कहलाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जनाब नूह का है, फिर जनाब इब्राहिम है, फिर जनाब मूसा है, फिर जनाब ईसा है, और आखिरी नबी हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब नूह का जिक्र कुरान मजीद में आया है और जनाब नूह के नाम से कुरान का एक सूरा भी है, सूरह नूह। अल्लाह ने इनकी बड़ी तारीफ की है, इनको इनके लिए फरमाया कि वो हमारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। जनाब नूह अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे और अल्लाह ने इनको उम्र भी अता की, तुलानी उम्र अता की। लोग अपने बच्चों को दुआएं देते हैं तो ये जुमला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें उम्र नूह अता करे, यानी किसी और नबी की मिसाल दुआ में नहीं देते, जनाब नूह का जिक्र किया जाता है कि अल्लाह तुम्हें उम्र नूह अता करे, इसलिए कि जनाब नूह को अल्लाह ने तवील उम्र अता की थी। कुरान ने जो आपकी तबलीग की मुद्दत का जिक्र किया है 1,050 कम, ये कुरान में जनाब नूह की तबलीग का तस्करा आया, 1,000 में 50 कम, यानी 950 साल सारे के बहुत अरसा हो गया। आजकल तो हमारी क्या उम्रें जो हैं, अगर तकरीबन उसका तखमीना लगाया जाए तो 50 साल, 60 साल, 70, बहुत से बहुत अगर कोई ज्यादा उम्र वाला हो तो कहता है ये 100 साल का है, 90 साल का बूढ़ा है, लेकिन ऐसी तादाद बहुत कम मिलती है कि जो 90, 95, 100 साल की उम्र तक के पहुंचे। एक सेंचुरी के अंदर ही इंसान इंतकाल कर जाता है, लेकिन जनाब नूह के लिए जो कुरान ने बताया वो ये कि 1,000 में 50 साल कम, यानी 950 साल ये जनाब नूह की तबलीग का पीरियड है, अरसा है, जमाना है। जनाब नूह अल्लाह की तरफ बुला रहे, दावत दे रहे हैं, साहिब शरीयत पैगंबर, पहली शरीयत कानून पहले बना जनाब नूह से, लेकिन उम्मत नाफरमान। रिवायात में है कि इतने पत्थर आप पर मारे जाते थे कि आप पत्थरों से जख्मी हो जाते थे, लहूलुहान हो जाते थे, और 3-3 दिन तक के आप गशी की हालत में पड़े रहते थे। ये एक नबी के साथ
उम्मत का सलूक नजर आता है। लेकिन अल्लाह ने जनाब नूह के लिए कहा कि हमारा शुक्रगुजार बंदा था, हर हाल में अल्लाह ने, हर हाल में जनाब नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जब इतना ही आजिज आ गए अपनी उम्मत से, तब चाहा कि अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करें ताकि अल्लाह उम्मत पर अजाब नाजिल करे। लेकिन मलाइका ने आकर मना किया, आप अभी बद्दुआ ना करें। फिर 300 साल गुजर गए, फिर बद्दुआ का इरादा किया, फिर दूसरे आसमान के मलाइका ने आकर इल्तिजा की कि अभी आप अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ ना करें। फिर आप रुक गए, फिर 300 साल की मोहलत दे दी, फिर 300 साल के बाद आपने बद्दुआ के लिए इरादा किया। तीसरी आसमान के मलाइका आए, उन्होंने आकर ख्वाहिश की कि अभी आप बद्दुआ ना करें। अजाब इलाही रुका रहा और जनाब नूह बद्दुआ से बाद आ जाते थे, बद्दुआ नहीं करते थे। लेकिन जब देख लिया कि अब ये उम्मत राह रास पर आने वाली नहीं है, तब अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ की। तो अब बद्दुआ के बाद भी फौरन अजाब नाजिल नहीं हुआ, हुक्म हुआ कि कश्ती बनाओ, खजूर के दरख्त काटे गए, उसकी लकड़ी को कश्ती में इस्तेमाल किया गया, मेखे कीले और लकड़ी के जरिए से कश्ती बनी। लोग आकर ये कहते थे कि ये दीवाना हो गया है, सहरा में इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है जहां दूर दूर तक के पानी का नामो निशान नहीं है, ये कश्ती कहां में चलेगी। लेकिन कुदरत हिफाजत का इंतजाम करवा रही है कि जब अजाब आएगा तो हमें जिसे बचाना है उसकी हिफाजत का इंतजाम पहले से कर लिया जाए। और ये अजाब किसी एक शहर में नहीं आएगा, ये अजाब किसी एक खित्ते में नहीं आएगा, ये अजाब किसी एक मोहल्ले में नहीं आएगा, बल्कि जनाब नूह की बद्दुआ के बाद जो अजाब आएगा, ये अजाब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। पूरी रूए जमीन अजाब इलाही की शिकार हो जाएगी। कुरान ने जिक्र किया और तफसीलात को बताया। अब जाहिर है कि जब मैं कुरान का जिक्र कर रहा हूं तो ये जुमला भी कहता चलूं कि अगर आप इस वक्त ओल्ड हिस्ट्री तलाश करें, चाहे कि आदम से लेकर खातम तक के हालात मालूम हो जाएं, तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं कोई ऐसी हिस्ट्री की किताब आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जो आदम से लेकर खातम तक के हालात को बताए और एक एक लफ्ज बता दे। ये कुरान का मौजजा है, अल्लाह ने कुरान मजीद के जरिए से माजी के वाकयात को नाजिल करके बता करके दुनिया को रूशनास करा दिया। आदम की खिलकत कैसे हुई, आदम की औलाद कैसी थी, आदम को कहां रखा गया, आदम को किस तरह से इबलीस शैतान ने बहकाया, आदम जमीन पर किस तरह से आए, किस तरह से आदम की नस्ल आगे बढ़ी, जनाब नूह का तस्किरा, जनाब शीस का तस्किरा, जनाब इब्राहिम का जिक्र, जनाब मूसा का तस्किरा, ये एक पूरी ओल्ड हिस्ट्री, एक एक लफ्ज कुरान के जरिए से, वही के जरिए से, यहां पर कोई रावी नहीं है, बड़े इत्मीनान से
अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहें, हवाला देना चाहें किसी मासूम नबी का, किसी मासूम इमाम का, किसी रसूल का, उनके वाकयात का, बड़े इत्मीनान से आप कुरान की आयत का हवाला दे दें, कोई उसे रद्द नहीं कर सकता, कोई उसको रद्द नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान कलाम इलाही जो वही के जरिए से नाजिल हुआ। लिहाजा जनाब नूह का तस्करा हो रहा है, कश्ती का जिक्र किया जा रहा है, अब अजाब आएगा और यह अजाब एक खित्ते के लिए नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगा। लिहाजा उसके लिए वैसे ही हिफाजत का इंतजाम करना है, ऐसी कश्ती बने जिस पे रूए जमीन पर चलने वाले तमाम चरिंद परिंद की भी हिफाजत की जा सके। अगर चरिंद परिंद को ना लिया गया तो रूए जमीन से चरिंद परिंद नीस्त तो नाबूद हो जाएंगे, अजाब इलाही का शिकार हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और कुरान ने बताया जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अब तूफान का आगाज हुआ। जनाब नूह की जौजा खाना पका रही थी तनूर में और ये जगह थी मस्जिद कूफा, आज भी अब आप जाएं अगर कूफे इराक की सरजमीन पर ज़ियारतों के लिए जो हजरात जाते हैं उनको मालूम है कि मस्जिद कूफा में एक तनूर आज भी वो मकाम है जहां से तूफान नूह का आगाज हुआ था। जौजा खाना पका रही थी, एकदम से तनूर से पानी उबलना शुरू हुआ। जनाब नूह को खबर हुई, आए, इन्होंने उस पर मट्टी डालकर पानी को रोक दिया और उसके बाद इन्होंने कश्ती पर सबको सवार करना शुरू किया। जितने भी जानवर थे सबका एक एक जोड़ा, चाहे वो चरिंद हो चाहे वो परिंद हो, सबके एक एक जोड़े को अपनी कश्ती पर सवार किया। अब आप देख समझ लें कि वो कश्ती कितनी बड़ी कश्ती बनी होगी जिस पर तमाम सहराई जानवर चरिंद परिंद सबके एक एक जोड़े जनाब नूह ने ले लिए हो अपने साथ ताकि उनकी हिफाजत रहे और तूफान के खात्मे के बाद उनकी नस्ल फिर आगे बढ़ सके। पूरे रुए जमीन पर जनाबे नूह की के ऊपर ईमान लाने वाले मोमिन अफराद की जो तादाद बताई गई है वो 80, बस इससे ज्यादा नहीं, 80 अफराद पूरी दुनिया में जनाबे नूह पर ईमान लाए मोमिन थे जो कश्ती नूह पर सवार हुए। और जनाबे नूह ने ऐलान कर दिया था कि जो आज कश्ती पर सवार होगा बस वो नजात पाएगा और जो कश्ती से रूगरदानी इख्तियार करेगा वो हलाक हो जाएगा, अजाब इलाही में गर्क हो जाएगा। अब जाहिर है कि कुरान ने वाकयात को समेटा है और खास वाकयात को रिकॉर्ड कर लिया। जनाब नूह से वादा किया गया था कि हम तुम्हारे अहल को बचा लेंगे, लेकिन उसी अहल आयाल में एक बेटा नाफरमानी करता हुआ नजर आता है, बाप का कहना नहीं मानता, कश्ती पर सवार नहीं होता। तो जनाब नूह ने कहा कि बेटा कश्ती पर सवार हो जाओ, कहा कि मैं पहाड़ की बुलंदी पर चला जाऊंगा, ये हमें पहाड़ बचा लेगा। कहा कि आज कोई शय ऐसी नहीं है कि जो बचा सके, सब अजाब इलाही में गर्क हो जाएंगे। जमीन से पानी उबल रहा था, आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जमीन पानी से भर गई, कश्ती पानी पर चल रही है, अल्लाह के हुक्म से चल रही है,
अल्लाह के इशारे से चल रही है, बिस्मिल्लाह की बरकत से चल रही है। तारीख बताती है कि पानी बलता रहा यहां तक के पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गया। बेटा पहाड़ की चोटी पर है, जनाब नूह ने आखिर में मोहब्बत पदरी जोश में आई कि एक बाप के सामने उसका बेटा अज़ाब इलाही में गर्क होना चाहता है, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार ये मेरा अहल है, मेरी औलाद है। तो कुरान में जवाब मौजूद है, जिस वक्त जनाब नूह ने यह कहा कि मेरा अहल है, मेरी औलाद है, तूने वादा किया था कि मैं तेरे अहल को बचा लूंगा, तो जवाब क्या आया, लैसा मिन अहलिक। सूरह हूद की आयत है, लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल नहीं है, तेरे शायान शान नहीं है। इन्नहु अमलो गैर साले, इसलिए कि इसका अमल गैर साले है। बस ये कहना था कि जैसे ही कश्ती घूमी एक लहर आई और नूह का बेटा अज़ाब इलाही में गर्क हो गया। कुदरत ने बता दिया कि देखो हम जिसकी हिफाजत करना चाहते हैं उसे बचा लेते हैं, और जो हमारे नाफरमान बंदे होते हैं, जो सरकश होते हैं, उनको हम नहीं बचाया करते, वो अज़ाब इलाही में गर्क हो जाते हैं। बस अजीजों, अल्लाह ने उन ईमानदारों को बचाया जो जनाब नूह का ईमान लाए थे, जनाब नूह का कहना माना था, और जो नाफरमान थे वो सब अज़ाब इलाही में गर्क हो गए। ये है नूह की कश्ती जिसे कश्ती नजात कहा गया। अज़ाब इलाही में कश्ती चल रही थी, कश्ती जरिए नजात बनी, लेकिन एक वक्त के लिए यह कश्ती नजात थी। जब तूफान नूह खत्म हुआ तो यह कश्ती नजात नहीं रही। जब तक के तूफान था, अजाब था, उस वक्त के लिए यह कश्ती नजात थी। जो इस पर सवार हुआ वो महफूज हो गया, अल्लाह ने उसकी हिफाजत कर ली। लेकिन अब आखिरी नबी का दौर आया, खत्मी मर्तबत। एक हदीस इरशाद फरमाते हैं, अपनी आल के लिए, अपने अहले बैत के लिए फरमाते हैं, मसलो अहलो बैती कमा सले सफीनतिन नू, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नू जैसी है। मन रखे बहा, जो इस पर सवार हुआ वो नजात पा गया। पमन तखल्लफा गरका अन हवा, और जिसने इनसे रू गर्दानी की वो हलाक हो गया, वो गर्क हो गया। बस अजीजों, अब नू की कश्ती नजात अज़ाब इलाही से बचा रही थी, जो एक मुअय्यन मुद्दत के लिए थी, जितनी देर के लिए अजाब था, अजाब के बाद वो कश्ती का काम खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने पैगंबर की आल को मिसाल कश्ती नूह की देकर बताया कि देखो अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, जो कश्ती पर सवार होगा वो नजात पाएगा, जो कश्ती से रू गर्दानी करेगा वो हलाक हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। तो अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की बताकर बताया कि देखो इनसे मुतामस्सिक होना है, इनके नक्शे कदम पर चलना है, इनकी इताअत करना है, ये जिधर तुम्हें लेकर जाए उधर तुम्हें चलना है, जहां पर ये रुके वहां पर तुम्हें रुकना है, जहां ये चलने का हुक्म दे वहां पर तुम्हें चलना है, जो इनसे तमस्सुक करेगा इनके नक्शे कदम पर चलेगा वो ऐसा है जैसे कश्ती अहले बैत पर सवार है, और जो कश्ती अहले बैत पर सवार है वो नजात पाने वाला है, और जो कश्ती अहले बैत से अलग है
वो नजात पाने वाला नहीं, वो अजाब इलाही में गर्क हो जाएगा, वो नजात नहीं पा सकता। बस अजीजों, अल्लाह ने जिन्हें अजाब इलाही से महफूज रखा है उनके लिए मेयार आले मोहम्मद को बनाया। आले मोहम्मद तुम्हारे लिए नजात का जरिया। और अजीजो, आले मोहम्मद तना नहीं है। मैं अपनी बात को फिर वहीं तक ला रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, अल्लाह ने अहले बैत का इंतखाब किया। पैगंबर दुनिया से नहीं गए लेकिन ऐलान करके गए। क्या ऐलान फरमाया? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह इत्रती अहलो बैती। देखो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरी इतरत है। किताब अल्लाह का कलाम कुरान मजीद जो मुकम्मल तौर से नाजिल हो चुका, जिसकी हिफाजत का ऐलान अल्लाह ने किया, और रसूल अपनी आखिरी वसीयत में कहकर जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, सकलाइन, दो भारी चीजें, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। मा इन तमस्क तुम बेहिमा लन तजल्लु बादी। देखो, जो इन दोनों से मुतामस्सिक रहेगा वो मेरे बाद हरगिज हरगिज गुमराह ना होगा। और ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा और ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे, यहां तक के हौजे कौसर पर वारिद हो जाए। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, अजीजों, ये है हदीसे सकलैन। हदीसे सकलैन बिल्कुल जाहिर से जुमले हैं, बारह आप मजालिस में सुना करते हैं, लेकिन ये उनको उन लोगों के लिए जवाब है जो कुरान के दुश्मन हैं, जो अहले बैत के दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि हम अहले बैत को मिटा दें, वो चाहते हैं कि हम कुरान को मिटा दें। ये उनकी भूल है। ना वो कुरान को मिटा सकते हैं, ना वो अहले बैत को मिटा सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कुरान को अहले बैत के साथ रखा है और अहले बैत को कुरान के साथ रखा है। कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ हैं। कुरान के मुहाफिज आले मोहम्मद हैं। मैं इंशाल्लाह भी अय्याम हैं सिलसिले की, आज चौथी मजलिस है, 30 तारीख से मजलिस का आगाज हुआ है, लिहाजा आज ये चौथी मजलिस है इस अशरे मजालिस की। अभी बाकी 6 मजलिसों में इंशाल्लाह मैं आपके सामने कुरान मजीद की उन आयात का जिक्र करूंगा कि जिसका ताल्लुक आले मोहम्मद से है, जिसने जिसमें कुरान में अल्लाह ने जिसके बारे में दलीलें पेश की हैं कि कुरान के मुहाफिज आले मोहम्मद हैं। हर दौर हर जमाने में कुरान आले मोहम्मद के साथ है। उम्मत कुरान उम्मत को हुक्म दिया गया है कि तुम अहले बैत की पैरवी करो, तुम कुरान पर अमल करो, कुरान की हिफाजत, कुरान की तालीमात, कुरान की तफसीर, इन सब की जिम्मेदारी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अपनी आल को दी है, आले मोहम्मद को दी गई है। आले मोहम्मद हर जमाने में मुहाफिज़े कुरान है। इनको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, ये कुरान की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे हर दौर में। और आज भी दुनिया मुहाफिज़े कुरान से खाली नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल की छोड़ी हुई किताब मौजूद है जो आपके हाथों में नुस्खे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने जो आले मोहम्मद छोड़े हैं उसकी एक फर्द आज दुनिया में है, जिसको हम इमाम ज़माना अलैहि सलाम कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये आले मोहम्मद का एक फर्द आज भी दुनिया में कायम है। जब वो मौजूद है पर्दे गायब में है तो वो मुहाफिज कुरान है, वो कुरान की हिफाजत करने वाला है। तो रसूल ने
आले मोहम्मद को कश्ती नूह की मिसाल देकर बताया कि मसलु अहले बैत का मसले सफीनत नूह, हमारे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जैसी है। मन रखे वहा नजा, जो इस पर सवार हो गया वो नजात पा गया, जिसने इससे रूह गर्दानी की वो हलाक हो गया, गर्क हो गया। आजीजों, जो इनसे मुतामस्सिक हो रहा था वो नजात पा रहा था, चाहे वो जितना ही ज्यादा क्यों ना दुश्मन की तरफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अहले बैत से मुतामस्सिक है तो अहले बैत इनको नजात दिलाने वाले हैं। तारीख करबला इस बात की गवाह है। अभी मैंने आपके सामने कल जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि अय्याम कम होते हैं और करबला के जानिसारों की तादाद ज्यादा है, हक अदा नहीं हो पाता करबला के शहीदों का। चंद असहाब, चंद औलाद हुसैन का तस्करा इन मजालिस के जरिए से होता है और ज्यादातर असहाब हुसैन, अंसार हुसैन के तस्करे नहीं हो पाते, लेकिन अंसार हुसैन, असहाब हुसैन वो हैं कि जिन पर इमाम ने फख्र किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी फख्र किया है और इमाम जमाना ने भी फख्र किया है। हम अगर ये दो जुमले कहकर मजलिसों में तस्किरा कर दें तो सारे असाब की अजमत सामने आ जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर बड़े फख्र के साथ एक जुमला कहा था। वो जुमला क्या कहा था? जब शब आशूर असहाब का इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ले चुके तो एक जुमला कहा कि जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे नाना रसूल खुदा को मिले, ना मेरे बाबा अली मुर्तदा को मिले, ना मेरे भाई हसन मुश्तबा को मिले। ये सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असहाब पर फख्र करबला के मैदान में। तो ये जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब हुसैन के लिए काफी हैं कि जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे नाना रसूल खुदा को मिले, ना मेरे बाबा अली मुर्तजा को मिले, ना मेरे भाई हसन मुश्तबा को मिले। 72 साथी हुसैन के जानिसार जो सब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार, और उसके बाद इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का ज़ियारत में क्या फिक्र है? पे अभी अंतुम व उम्मी, ए करबला वालों, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हो जाए, कुर्बान हो जाए। तुम जिस जमीन में दफन हुए वो भी पागो पाकीजा हो गई। यह है करबला वालों का मर्तबा। हाँ अजीजों, अगर आप करबला वालों की फेरिस्त को देखेंगे तो आपको 18 बनी हाशिम नजर आएंगे, औलाद अली, औलाद अकील, औलाद मुस्लिम, औलाद इमाम अली, औलाद इमाम हुसैन, औलाद जनाब, ये आपको खानदान के अफराद नजर आएंगे। लेकिन खानदान के अलावा आपके जानिसार, आपके असहाब अंसार, और यहां तक के 9 मुस्लिम अफराद भी करबला की तारीख में नजर आएंगे, जिसका जिक्र जो है मजालिस में होता है। और कुछ ऐसे अफराद भी नजर आएंगे जो सुबह आशूर हुसैन की तरफ आए। मुझे तारीख करबला नहीं बताती कि हुसैन का कोई साथ छोड़कर गया हो। हुसैन यही तो कह रहे थे कि मैं तुमको इजाजत देता हूं, तुम लोग जा सकते हो, ये हमारे खून के प्यासे हैं, तो मेरी औलादों का हाथ पकड़ो चले जाओ। यहां तक कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से भी जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर कहे। हबीब इब्ने मजाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, सब ने अपने अपना जवाब दिया है करबला के मैदान में शब आशूर। यहां तक के इमाम ने अपने चिरागों को गुल कर दिया, रोशनी को खामोश कर दिया, अंधेरा कर दिया,
इस अंधेरे रात में, तारीकी में चले जाओ, कोई देखने वाला तुम्हें नहीं है। लेकिन जब दोबारा रोशनी हुई तो हर एक अपने अपने मकाम पर खड़ा हुआ था और कह रहा था, फर्जंदे रसूल, हम भला आपको छोड़कर चले जाए? एक दफा क्या, अगर हजार मर्तबा भी हमें मारा गया, कत्ल किया गया, जिंदा किया गया, हमारे जिस्मों को जला दिया गया, हमारी राख को जिस्म को हवा में मुंतशिर कर दिया गया, फिर जिंदा किया गया, तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये थे वो करबला वाले असहाब हुसैन। तो अजीजों, रास्ते में हुसैन का रास्ता रोकने के लिए कौन आया था? हुर। हुर कौन था? रियाही कबीले का सरदार, शुजा बहादुर, 1000 लश्कर को लेकर आने वाला ताकि हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकें, जहां पर है वहीं पर उनको रोक दिया जाए, उनको आगे इराक की तरफ जाने ना दिया जाए, इसलिए कि इमाम कूफे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में थे। कूफे से पहले करबला पड़ जाती है, तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला करबला से कूफे का है तकरीबन, लिहाजा करबला पहले है, कूफा बाद में है। हुसैन की मंजिल कूफे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कूफे से पहले करबला। एक मकाम पर हुसैन का काफिला कयाम किए हुए था, रुका हुआ था। एक साथी ने आवाज दी, अल्लाहु अकबर। इमाम ने कहा कि ये तुमने तकबीर की आवाज क्यों बुलंद की? कहा कि मौला, मुझे दरख्त नजर आ रहे हैं, आबादी नजर आ रही है। तो इमाम के एक साथी ने कहा कि मौला, मैं अक्सर इधर से गया हूं, यहां पर कोई आबादी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है। अभी ये बात हो रही थी कि देखा, दिखाई दिया कि घोड़े के कान और नैजों की अनियां नजर आ रही हैं, यानी कोया एक लश्कर है जो इमाम के काफिले की तरफ बढ़ रहा है। इल्म इमामत से हुसैन जानते थे कि क्या होने वाला है, लिहाजा मंदिर शराब पे इमाम ने काफिले को रोका, जितने जरूफ जितने बर्तन थे, कहा कि सबको पानी से पुर कर लिया जाए, सारे बर्तन सारे जर्फ जो थे ये पानी से भर लिए गए। इमाम जानते थे अभी क्या होने वाला है। जैसे ही लश्कर करीब आया, 1000 का लश्कर, प्यास से जाबलब हो रहा था, हाँप रहे थे, इमाम ने हुक्म दिया, बेटा अली अकबर, ए भैया अब्बास, इन लश्कर को सैराब कर दो। आने वाला दुश्मन का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम सैराब करवाते हैं। अब यह किरदार इमाम, किरदार मासूम हुसैन बताना चाह रहे हैं कि देखो इस्लाम की तालीम क्या है, अगर दुश्मन भी प्यासा है तो हम उसे सैराब कर देंगे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा रास्ता रोकने के लिए ही क्यों ना आया हो। लश्कर को सैराब किया जा रहा है, सिर्फ लश्कर को सैराब नहीं किया गया, जानवरों को भी सैराब किया गया। तारीख ने लिखा कि घोड़ों के सामने तश्त पानी के रख दिए जाते थे, और जब पानी से घोड़े सैराब हो जाते थे तब वो तश्त उनके आगे से हटाकर दूसरे जानवर के सामने रखा जाता था। ये थी हुसैन की सखावत, सैराब कर दिया जानवरों को भी फौज को भी। वक्त नमाज जोहर आया, हज्जाज इब्ने मसरूक मौज़िन हुसैन ने अजान कही, जोहर का वक्त। इमाम पूछते हैं हुर से, हुर तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगे या अलहदा? अब आप देखें, यजीदी लश्कर का सिपे सालार है, लेकिन किरदार हुसैन का असर हुर पर इतना हो चुका था कि अलहदा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। ए फर्जंदे रसूल, नमाज हम आपके पीछे पढ़ेंगे। अब जब सरदार नमाज पढ़ रहा है तो फिर लश्कर की क्या मजाल है जो अलग नमाज पढ़े। सब ने हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज जोहर अदा की, नमाज जोहर तमाम हो गई, वक्त असर आया, नमाज अज़र हुसैन ने असर अदा की,
असर की नमाज जैसे ही खत्म हुई इमाम ने रुख किया मजमे की तरफ, तकरीर करने शुरू की। अपने साथी से कहा जरा वो गंभीर तो लेकर आना जिसमें खतूत रखे हुए हैं। वो खतों की एक टोकरी आई जिसमें तकरीबन 1200 खत जो कूफे से इमाम के पास मक्के के कयाम के दौरान आ चुके थे, जिसमें इमाम को दावत दी गई थी कि आप कूफे तशरीफ लाएं, हम बगैर इमाम के हैं, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। इमाम ने वो खत मंगाए, कहा कि देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, ये खत मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इन खतों में मेरा कोई खत नहीं है, जिसने आपको बुलाया है वो बुलाया है, मेरा कोई खत नहीं है, हमें इस काम के लिए जो है वो मुअय्यन किया गया है, मामूर किया गया है कि जहां पर आप मिले हम आपका रास्ता रोकें, आगे आपको ना जाने दें। अब जाहिर है कि इमाम की मंजिल कहीं और थी, तो लिहाजा आपने एक मर्तबा हुक्म दिया कि काफिला रवाना हो। खेमे उठाए गए, सामान हमारे नाकों पर लादा गया, बीबियां नाकों पर सवार हुई। काफिला चलना ही चाहता था कि हुर आगे बढ़कर इमाम के घोड़े की लगाम पर हाथ डाल देते हैं, घोड़े को रोक देते हैं कि हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जैसे ही लजाम ने फरस पर हाथ डाला, इमाम ने एक जुमला कहा कि तेरी मां तेरे मातम में बैठे। ये जुमला अरब वालों के लिए बड़ा सख्त था कि कोई किसी की मां को इस तरह से कहे, लेकिन तारीख लिखती है कि हुर ने जवाब यह दिया, ए फर्जंद रसूल, अगर आपकी मां फातिमा जहरा खातून जन्नत ना होती तो मैं कुछ उनके लिए कहता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। अजीजों, ये तारीख ने जुमले हुर के नकल किए हैं। मैं कहता हूं कि हुर के ये जुमले तारीख में मौजूद है। इन जुमलों ने ये बता दिया कि हुर के दिल में कितनी अजमत आले मोहम्मद थी, दिल में कितनी अजमत सैयदा थी। लिहाजा लश्कर यजीद में जरूर था, लेकिन दिल में अजमत आले मोहम्मद का एतराफ कर रहा था। हाँ अजीजों, बस ये काफिला साथ साथ चलता रहा, यहां तक कि जमीन करबला आई। कल मैंने अर्ज किया था कि 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन वारिद करबला हुए। मैं चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं ताकि हमारे बच्चों को भी इसका इल्म हो। इमाम के सवारी का घोड़ा चलते चलते रुक गया, इमाम ने घोड़ा बदला वो भी आगे नहीं बढ़ा, दूसरा घोड़ा बदला वो भी आगे नहीं बढ़ा। यके बाद दीगरे 7 घोड़े इमाम ने बदले, लेकिन कोई जानवर आगे नहीं बढ़ता था। गोया जानवर भी मंजिल इमामत को पहचानता था कि हुसैन की मंजिल बस ये है, इससे आगे नहीं है। बस इमाम ने पूछा कि ये जमीन कौन सी है, इस जमीन का क्या नाम है। किसी ने कहा इसको गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा कि इसको शत फुरात कहते हैं, किसी ने कहा कि इसको नैनवा कहते हैं। इमाम पूछते जाते थे, लोग जवाब देते जाते थे, आखिर में एक ने कहा कि इसको कर्बोबला भी कहते हैं। बस अजीजों, कर्बोबला का नाम आना था कि हुसैन ने हुसैन घोड़े से जमीन पर उतर आए, थोड़ी सी खाक उठाई, सूंघा, फेंक दिया, कहा कि बस यही मेरी मंजिल है, यहीं पर हमारे खयाम लगेंगे। और उसके बाद इमाम ने फिर पूछा कि यह जमीन किसकी है। लोगों ने कहा बनी असद की। कहा कि बनी असद को बुलाओ। कबीले वाले आए, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने कहा कि ए बनी असद, मैं तुमसे यह जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा कि मौला, ये आपकी जमीन है, आप रहे, मैं मना नहीं करता। कहा कि नहीं, मैं इसको खरीदूंगा। कहा कि आप खरीदे, मैं आपको हदिया कर रहा हूं, बेच रहा हूं आपके हाथ।
इमाम ने उसको खरीदा, उसकी उजरत अदा कर दी। लेकिन बनी असद कहते हैं, आका एक जुमला हमें कहना चाहता हूं। कहा कि क्या? कहा कि आप इस जमीन पर कयाम ना करें। कहा कि क्यों? कहा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो भी इस जमीन करबला पर आया वो मुसीबतों का शिकार हुआ, उसको अजियतें बर्दाश्त करना पड़ी। तो इमाम ने एक जुमला कहा, ए बनी असद तुम्हें नहीं मालूम, अरे ये जमीन करबला हमारे लिए पैदा की गई है और हम इस जमीन के लिए पैदा किए गए। यहां पर हमारी कब्रें बनेंगी, हम इस जमीन को आबाद करेंगे। हाँ अजीजों, तारीख ने लिखा कि हुसैन जमीन खरीदने के बाद बनी असद को हिबा करते हैं कि मैं तुम्हें तीन शर्तों पर इस जमीन को तुम्हारे हवाले किए देता हूं। जमीन हमने खरीद ली, इसके मालिक हम हो गए, उजरत तुम्हें दे दी, लेकिन अब जमीन ये हम तुम्हें हिबा कर रहे हैं। तीन शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि यहां पर काश्तकारी ना करना ताकि हमारी कब्रों के निशान मिटने ना पाए। दूसरी शर्त यह है कि जब कोई जाहिर, जरा गौर करें, हुसैन को अपने जाहिरीन का कितना ख्याल था। जब कोई जाहिर करबला आए तो उसे तीन दिन मेहमान रखना। हाँ मैं कहूंगा, आका ये तीन दिन की शर्त क्यों रखी? अजब नहीं हुसैन कहे कि हाँ जब तीन दिन जाहिर करबला में मेहमान रहेगा तो हमारी भूख और प्यास को याद करेगा कि हुसैन तीन दिन के भूखे प्यासे इस जमीन गर्म पर शहीद किए गए। अजरकुम अल्लाह। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो रही है। हुसैन ने तीन शर्तें बयान की। पहली शर्त, यहां पर काश्तकारी न हो। दूसरी शर्त, यहां पे जारीन को तीन दिन मेहमान रखा जाए। तीसरी शर्त फिर बयान करते हैं, देखो जब हम कत्ल कर दिए जाएं, जब हम मारे जाएं, तो तुम आना, हमारी लाशों को दफन कर देना। बनी असद के मर्दों से ये वसीयत की, मर्दों के बाद औरतों की तरह मुखातब हुए। कहा कि अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ और डर की वजह से ना आ सके तो तुम चली आना, हमारे लाशों को दफन कर देना। लेकिन अजीजों, यहां पर एक जुमला तारीख ने और लिखा, औरतों से वसीयत करने के बाद उन बच्चों से मुखातब हुए, जो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के हाथ पकड़कर चले आए थे, अपने माँ बाप के साथ आए थे। बच्चों से माँ मुखातब होकर कहते हैं, हे बच्चों, अगर तुम्हारे वालदैन ना आए तो तुम खेलते हुए आना और आकर एक एक मुट्ठी खाक हमारी लाशों पर डाल देना। आजीजों, हुसैन ने ये बच्चों से वसीयत की तो मैं कहूंगा, आका हुसैन आपने बच्चों से वसीयत की थी कि खेलते हुए आना और हमारी लाशों पर एक एक मुट्ठी खाक डाल देना। अरे आका आइए, आकर देखिए, हमारे घरों में ताजिए रखे जाते हैं और जब आशूरा का आका जब आशूरा के दिन आता है तो छोटे छोटे बच्चे अपने सरों पर ताजिए रखकर करबला जाते हैं, अपने हाथों से हुसैन का ताजिया दफन करते हैं। आका ये ऐलान है कि अगर करबला के मैदान में हम होते तो आपकी लाश बेगोरो कफन ना पड़ी रहती। अरे हम आपके लाशों को दफन करते जैसे इन ताजियों को दफन करने के लिए हम करबला जाते हैं। अजरकुम अल्लाह। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो गई। चंद जुमले, मजलिस तमाम हो रही है, चंद जुमले और सुन ले। हाँ अजीजों, हुसैन की ये वसीयत थी, लेकिन जब 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई है तो क्या हुसैन की लाश दफन हो पाई? क्या सारे हुसैन के लाशें दफन हुए? क्या सारे हुसैन के लाशें दफन हुए? नहीं, जमीन करबला पर हुसैन के असहाब अंसार के लाशें बगैर दफन के पड़े हुए थे। हुसैन का पामाल लाशा जमीन गर्म पर पड़ा हुआ था। 11 मुहर्रम की सुबह को यजीदी लश्कर ने अपने कुश्ताए नजीस को इकट्ठा किया। अरे उन पर नमाज जनाजा पड़ी, उनको सुपुर्द खाक किया, लेकिन हुसैन नवासे रसूल का लाशा जमीन गर्म पर पड़ा हुआ था। हाँ, करबला में 22 साल का जवान
हुसैन का बेटा जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौ के खारदार था। अजरकुम अल्लाह, दुश्मन ये काफला उधर से लेकर चले जहां पर शोहदा के बेकफन लाशें पड़े हुए थे। तारीख लिखती है कि एक मर्तबा सानिये जहरा ने, जनाबे जैनब ने अपने को नाके की बुलंदी से गिरा दिया। भाई की लाश पे आई, जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया। बस तारीख लिखती है कि अभी बहन भाई की लाश पर थी कि एक मर्तबा भतीजे पर निगाह पड़ी, भाई की लाश को छोड़ दिया, भतीजे के करीब आकर आवाज दी, ए बेटा सैयद सज्जाद, जरा अपने को संभालो, ये मैं तुम्हारी क्या हालत देख रही हूँ, अरे करीब है ये तुम्हारी रूह जिस्म से परवाज कर जाए। पर ये सुनना था कि हमारा चौथा इमाम जवाब देता, ए फूफी अम्मा आपने नहीं देखा, इन जालिमों ने अपने कुश्ताए नजीस को दफन किया। अरे मेरे बाबा का लाशा, मेरे भाइयों के लाशे, जमीन घर पर वो बेटा क्या करे कि जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौके खारदार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बेकज़ाहि व तस्लीम अल-अम्रे। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اور لگا رہے علم تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا اور ریس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض سے عطا فرما جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما یہ کسی نے اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کر لی